राह भी तेरी, पांव भी तेरे, पांव तले मंजिल भी तेरी। मन की दुविधा में जो हारा, फिर न मिले मंजिल तेरी। तन्मया आपकी उधेड़ बुन है, धर्म क्रिया मुझे आनंदित क्यों नहीं करती। धर्माचरण का मार्ग बड़ा दुर्गम है, इस मार्ग पर हजारों पथिक चलने की सोचते हैं, मगर 100 ही चल पाते हैं, 900 तो मात्र सोच कर ही रह जाते हैं। जो 100 चल देते हैं उनमें केवल 10 ही किनारे पहुंच पाते हैं, 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी कोई एकाध ही अंतिम परिणाम को उपलब्ध होता है, 9 तो किनारे पर आकर भी डूब जाते हैं। कल्पना करो, आपके सम्मुख 2 ग्लास रखे हो, एक में दूध है और दूसरे में पानी। यदि दूध के ग्लास में एक मिश्री का टुकड़ा और पानी के ग्लास में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाए तो इसका परिणाम क्या आना चाहिए? यह आप जानती हो, दूध में मिश्री घुल मिल जाएगी और दूध मीठा हो जाएगा। पत्थर के टुकड़े का पानी के साथ केवल स्पर्श होगा, संयोग तो हुआ किंतु पत्थर पानी के साथ एक मेक नहीं हो सका। यूं परिणाम भी कुछ नहीं आया क्योंकि दोनों में एक फासला बना रहा। ठीक यही बात धर्म आराधना के लिए भी है। हमारी धर्म आराधना पानी में पत्थर की भांति है। हम काया के माध्यम से धर्म का स्पर्श करते हैं किंतु मन एक मेक नहीं हो पाता। स्पष्ट है, जब तक मन धर्म साधना में समग्रता से नहीं जुड़ेगा तब तक परिणाम कभी नहीं आएगा। मानव मन की दशा बड़ी अजीब है। मन जहां होता है वहां अपनी उपस्थिति पूर्ण रूप से दर्ज नहीं करवाता। यही तो कारण है आज के मानव की स्थिति खिचड़ी की तरह हो गई है। यदि वह घर होता है तो दुकान की सोचता है, और दुकान में होता है तो घर की बातें सोचता है, मंदिर में होता है तो परिवार की सोचता है, और परिवार वालों के साथ होता है तो मंदिर की स्मृति होती है। मन की हालत धोबी के उस गधे जैसी हो गई है जो न घर का होता है न घाट का। भगवान महावीर कहते हैं यह मन अनेक खंडों में बटा हुआ है, इस कारण वह धर्म आराधना में समग्र रूप से कैसे जुड़ेगा? कार्य को समग्रता से करने का यही तरीका है। जहां आप हो वहां पूरी तरह से रहो, जो कार्य आप कर रहे हो उसमें तन्मय हो जाओ। यदि भजन कर रहे हो तो भजन में पूरे डूब जाओ, और भोजन कर रहे हो तो भोजन में पूरा चित्त लगा दो। इससे वर्तमान में सुख मिलेगा और कार्य में कामयाबी। एक बार किसी जिज्ञासु ने जैन फकीर से प्रार्थना करते हुए कहा, कृपा करके आप मुझे कार्य करने की विधि बताइए जिससे मुझे कार्य करने में आनंद का अनुभव हो तथा सफलता भी मिले। फकीर ने युवक को कहा, 1-2 दिन यहाँ रुक जाओ और मेरे हर व्यवहार को बड़े ध्यान से देखो ताकि तुम्हारा समाधान हो जाए। फकीर के कहने से वह रुक गया और उसकी हर क्रिया को ध्यान से देखने लगा। फकीर कभी खाना खाने बैठता है तो कभी सो जाता है, कभी स्नान करता है तो कभी पौधों को पानी देता है, कभी प्रभु भोजन करता है तो कभी मंदिर साफ करता है। इसके अतिरिक्त वह और कोई भी क्रिया नहीं करता था। युवक ने सोचा, इस दैनिक क्रियाओं में कौन सी बड़ी बात है,
यह तो सभी करते ही है, इसमें कौन सा राज छिपा है। दो दिन उसने जैसे तैसे बिताए और वह जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में जब फकीर ने देखा इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा, वत्स, कार्य की सफलता का सूत्र तन्मयता में छिपा है। जिस समय जो भी क्रिया करो उसे पूर्ण रूप से करो। क्रिया करते हुए एक बार अपने आप को जांच लो, इसमें मेरा मन पूर्ण रूप से जुड़ा है या नहीं। यदि नहीं जुड़ा है तो कार्य में सफलता संदिग्ध है। जब व्यापार का समय हो तो व्यापार की ही सोच हो और धर्म आराधना करने बैठो तो मन को उसमें पूरी तरह से जोड़ दो। अपनी कोई भी क्रिया आदतन या यंत्रवत नहीं हो, इसका पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। तन्मया, आपको भी अपनी धर्म क्रियाओं को स्पष्ट रूप से जांच कर देख लेना होगा। यदि आप एक मूर्तिकार की भांति प्रयत्न करो तो मन को समग्रता से धर्म आराधना में लगाना आसान हो सकता है। मूर्तिकार ने अपने अंतकरण में मूर्ति का जैसा मॉडल बनाया होता है, उसकी छेनी की हर चोट उस पत्थर को उसी रूप में ढाल देती है। उसका ध्यान अपने लक्ष्य के छोटे से छोटे बिंदु और छोटी से छोटी रेखा की तरफ केंद्रित रहता है। वह अपने लक्ष्य से तनिक भी इधर उधर नहीं भटकता। उसकी दृष्टि समग्र रूप से पत्थर पर ही टिकी होती है। यदि वह पत्थर पर एक भी चोट ऐसी लगा दे जिसकी जरूरत ना हो, तो वह मूर्ति बना ही नहीं सकता। उसका प्रयास केवल यही होता है, छेनी की हर चोट उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली बने। यही कारण है वह अत्यंत सावधानी से पत्थर की काट छांट करता है। परिणाम स्वरूप ठीक वैसी ही मूर्ति बना लेता है जैसी उसने कल्पना की थी। इस प्रकार वह अपने सपने को साकार कर लेता है। जिस धर्म आराधना के साथ मन एकाकार हो जाएगा, उसका असर जीवन में अवश्य दिखाई देगा। किंतु जो धर्म क्रियाएं मात्र हवा की भांति स्पर्श करके आर पार हो जाएंगी, उसका परिणाम जीवन में कैसे नजर आएगा। यदि आप मन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करोगी तो आपको महसूस होगा कि मन अन्य क्रियाओं में जितनी तन्मयता से जुड़ता है, उतनी तन्मयता से और उतने रस से धर्म क्रियाओं में नहीं जुड़ता। मन को जितना रस भोजन करने में है, उतना रस तप करने में नहीं है। व्यर्थ की गपशप में मन को इतना लगाव है कि समय कहां बीत गया उसे पता नहीं लगता। परंतु एक घंटे के जाप और स्वाध्याय में मन बार बार घड़ी देखता है। स्पष्ट है, इसमें धर्म आराधना का दोष नहीं, अपितु मन के अनुत्साह और धर्म आराधना सुई की भांति है। जैसे सुई में कांटे को निकालने की शक्ति है, परंतु शर्त यह है कि कांटा जितना गहरा हो उतनी गहराई तक सुई को ले जाना होगा। यदि हम सुई को ऊपर ऊपर तक ही घुमाते रहें, तो गहराई में रहा हुआ कांटा कैसे निकलेगा। ठीक इसी प्रकार धर्म आराधना की सुई भी भीतर में रहे हुए पाप और कुसंस्कार के कांटों को निकालकर आनंद के परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम है। यदि हमारी धर्म आराधना ऊपर ऊपर तक ही रही, गहराई तक नहीं पहुंची, तो आनंद की अनुभूति कैसे हो सकेगी। धर्म आराधना के संबंध में दो बातें
अच्छी तरह से जान लेने योग्य है। पहली बात है मन की एकाग्रता के साथ धर्म आराधना करना, और दूसरी बात है धर्म आराधना के पीछे कोई भी भौतिक लक्ष्य न रखकर शुद्ध लक्ष्य रखना। इन दोनों में से एक में भी भूल हो गई तो आनंद मिलने वाला नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति ने अत्यंत स्नेह भाव से प्रिय शब्दों में बहुत अच्छा पत्र लिखा, और लिखते हुए उसने अपने मन के हर कोने को उसमें सराबोर कर दिया। तत्पश्चात उसने पत्र को सुंदर लिफाफे में बंद भी कर दिया, किंतु उस पर एड्रेस गलत लिख दिया, तो स्पष्ट है पत्र जिस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए लिखा था उस निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच सकेगा। जैसे पत्र की सफलता लिफाफे पर लिखे गए पते पर आधारित है, ऐसे ही धर्म आराधना की सफलता भी उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अपना पत्र सामने वाले तक पहुंचाना चाहता है तो उसे इन दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। प्रेम पूर्ण भावों के साथ तन्मयता पूर्वक पत्र लिखना और लिफाफे पर सही पता लिखना। धर्म आराधना के क्षेत्र में भी 100% यही गणित लागू होता है। चाहे धर्म क्रियाओं को पूरा मन लगाकर समग्रता से किया हो, परंतु उसके पीछे रहा हुआ आशय यदि दूषित है या भौतिक है तो परिणाम प्रसन्नता या निर्मलता के रूप में आप नहीं पाएंगे। दूसरी ओर चाहे धर्म क्रियाओं के पीछे लक्ष्य शुद्ध है, किंतु धर्म आराधना करते हुए मन की तन्मयता खंडित हो जाती हो, तब भी परिणाम राग द्वेष कम होने के रूप में या आनंद के रूप में नहीं मिलेगा। अक्सर लोग क्रिया को देखते हैं, किंतु उसके पीछे रहे हुए आशय को नहीं जांच पाते। संपत्ति का दान करते हुए यदि यह उद्देश्य रहे कि मुझे कीर्ति मिले, मेरे धन में वृद्धि हो, तो ऐसी दान की क्रिया धन की आसक्ति को कम करने का परिणाम कैसे ला सकती है? सामायिक की क्रिया निष्ठापूर्वक लगन से की जा रही है, परंतु उसके पीछे लालसा जुड़ गई तो समता भाव का परिणाम कैसे आएगा? धर्म आराधना रूपी पत्र पर यदि हम संसार की किसी भी कामना का पता लिख देते हैं तो परिणाम में संसार का दुख ही मिलेगा। तन्मया, अंत में एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। बहुधा लोग थोड़ी बहुत धर्म आराधना कर भी लेते हैं और स्वयं को धर्मात्मा मानने की भूल कर बैठते हैं। एक महीने में यदि 10-12 व्रत उपवास कर लिए तो ये मन स्वयं को तपस्वी मान बैठता है। एक वर्ष में 5-7 लाख रुपयों का दान करके लोग स्वयं को दानी मान लेते हैं। अपनी ही कमजोरी के कारण दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार का प्रतिकार न कर पाने से स्वयं को क्षमावान मानने की भूल कर लेते हैं। एक बार पुत्र ने अपने पिताजी से पूछा, पिताश्री आपके कपड़े मैले क्यों हैं? पिताजी ने एकदम से चौंक कर कहा, नहीं बेटे, 2 दिन पहले ही मैंने ये धुले हुए साफ कपड़े पहने हैं, तुझे क्यों मैले लग रहे हैं? यह सुनकर बेटा कमरे में गया और एक साफ सुथरा धुला हुआ सफेद वस्त्र ले आया। उसने उस वस्त्र को पिताजी के कपड़ों के साथ लगाकर देखा और बोला, पिताश्री अब बताइए आपके कपड़े मैले हैं या नहीं? अब पिताजी ने कहा, मैं तो समझ रहा था मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हैं, किंतु यह मेरा भ्रम था। आज मुझे पता लग गया कि मेरे कपड़े मैले हैं। यही बात आध्यात्मिक जगत में धर्म साधना के साथ जुड़ती है। अपनी
धर्म आराधना में अभी कितनी कमी है यह जानने और मानने के लिए हमें भी महापुरुषों के भव्य आराधनाओं को चिंतन में लाना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी आत्मा अभी कितनी मलिन है। होता यह है कि सत निमित्तों को प्राप्त करके हम अपना आचरण या व्यवहार थोड़ी देर के लिए अच्छा बना लेते हैं, किंतु जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक मात्र बाहर का व्यवहार बदलने से कोई परिणाम आने वाला नहीं है। जिस दिन अंतकरण की सरलता के साथ मन धर्म आराधना में समग्रता से रस लेगा, उस दिन आनंद के द्वार अवश्य खुलेंगे।